नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एज न्यूज। देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरा, जिसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ा। इसी के कारण बिहार में एनडीए की सीटें कम भी हुई। ये एक बड़ा मुद्दा था इस बार के लोकसभा चुनाव में। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में रोजगार के मुद्दे पर एनडीए पछड़ना नहीं चाहती, विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहती रोजगार के मुद्दे को लेकर, क्योंकि इसका फायदा लोकसभा चुनाव में विपक्ष उठा चुका है। तो ऐसे में बिहार सरकार लगातार अलग अलग विभागों में बहालियां निकालती जा रही है। अब जो बहाली निकली है वो स्वास्थ्य विभाग में निकली है। स्वास्थ्य विभाग में 13,267 पदों की रिक्तियां निकाली गई हैं और ये रिक्तियां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निकाला गया है। इस पूरे मामले को लेकर कल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा कर रहे बिहार के स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे ने कई तरह के गाइडलाइंस जो है वो अपने विभाग के अधिकारियों को जारी किया है और उनके अंदर 13,267 पदों की रिक्तियां जो है उनके अनुसार बहाली निकालने का आदेश भी दिया। अब इन सभी पदों पर बिहार के अंदर बहाली होंगे और भी कई सारे पद स्वास्थ्य विभाग में हैं, उन्हें भी आगे आने वाले 3 महीने के अंदर भर लेने की बात कल स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे के तरफ से कही गई है। तो मैं आपको बताऊं कि बिहार में एक बार फिर से जो है बहालियों की भरमार शुरू हो गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 13,267 पदों पर स्वास्थ्य विभाग में बहालियां आई हैं। कौन कौन से विभाग हैं मैं आपको एक बार विस्तार से बताता हूं। तो जिन पदों पर रिक्तियां हैं वो पद हैं आयुष के डॉक्टर 2,724, CHO 4,500 पद, मेडिकल अफसर 757, ऑप्थेल्मिक सहायक 220, स्टाफ नर्स 2,500, ANM 1,229, लैब टेक्नीशियन 982, लॉजिस्टिक मैनेजर 38, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक 97, ब्लॉक अकाउंटेंट 38, प्रखंड अनुश्रवण सहायक 128 और प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक 54 पद हैं। तो ये सभी वो पद हैं जिन पर इस बार रिक्तियां आई है और बिहार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये रिक्तियां निकाली गई हैं। तकरीबन 13,267 पद हैं जिन्हें भरा जाएगा। इनके साथ ही कई और पद हैं जो इन रिक्तियों के बावजूद खाली रह जाएंगे, तो उन्हें भी आगे आने वाले 3 महीने के अंदर पूरा करना। मैं आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रण लिया है कि अगले 1 साल के अंदर जो वो अपना वादा किए थे 7 निश्चय 2 के तहत कि 10 लाख नौकरी देंगे, उसे बढ़ाकर 12 लाख नौकरी करने जा रहे हैं नीतीश कुमार। और इसी को लेकर वो अब एक्शन मोड में है। वो हर विभाग में रिक्तियां हैं उनको लेकर बैठक कर रहे हैं, उन रिक्तियों के आधार पर बहाली निकालने के आदेश दे रहे हैं। और इसके बारे में नीतीश कुमार की माने तो बिहार के अंदर 5.5 लाख के आसपास जो है वो नौकरियां दी जा चुकी हैं और तकरीबन 22 लाख के आसपास रोजगार भी सृजित किए जा चुके हैं। अब आने वाले 1 साल के अंदर नीतीश कुमार का ये विजन है कि 1 साल के अंदर जो 10 लाख नौकरी का जो वादा था उसको पूरा करते हुए, उसको आगे बढ़ाते हुए 12 लाख नौकरियां जो है वो 1 साल के अंदर पूरा करें और 11 लाख और रोजगार जो है वो बिहार के अंदर सृजित करें। तो एक बड़ा चैलेंज है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए और इस चैलेंज को अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरा कर लेते हैं तो बिहार में कह सकते हैं कि एक बहार है रोजगार का और एनडीए की सरकार के लिए एक बड़ी बढ़त देखने को मिलेगी, क्योंकि रोजगार के मामले में एनडीए बिहार में पछड़ती नजर आ रही थी। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द एज न्यूज के साथ। धन्यवाद।